रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को युवा इकाई द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है और प्रदेश धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसान के मामले में भी सरकार को घेरा है। नकली बीज की समस्या से किसान त्रस्त हुआ है और किसान जब पिछले बार सोसाइटियों में धान बेचने गया, पहली बार किसान का अपमान सोसाइटी में हुआ। छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान लाचार हो गया था। इस सरकार के धान खरीदी की व्यवस्था से वो बेबस होकर के, अपमानित होकर के अपनी धान को बेचा।